नमस्कार दोस्तों, हाइड्रोलॉजी फॉर पीपल कार्यक्रम के इस भाग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यह कार्यक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की की एक पहल है, जिसके माध्यम से हम आपको जल विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे नए नए नवाचारों से अवगत करवाते हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर मनीष कुमार नेमा, है वाटर रिसोर्सेज सिस्टम डिवीजन से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी से। आप साइंटिस्ट भी हैं और आपने हैंडवेल क्षेत्र में जो ऑब्जर्वेटरी लगी है उस क्षेत्र में बहुत कार्य किए हैं। आज हम उसी पर उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ने जो इस ऑब्जर्वेटरी के बारे में एक लघु फिल्म बना रखी है उसे देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा को जारी रखें। हैनबल गंगा नदी की एक सहायक नदी है। निचले हिमालय क्षेत्र का यह भाग अपनी खूबसूरत पहाड़ियों एवं पारिस्थितिकी विभिन्नताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ सालाना औसतन 1200 से 1800 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो इसे कृषि के लिए एक बेहतर स्थान बनाती है। अच्छी वर्षा के कारण यह क्षेत्र हमेशा हरा भरा बना रहता है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ने एक आधुनिक उपकरण युक्त वैधशाला को स्थापित किया, जिससे जलवायु से जुड़े आंकड़े, जल स्तर, मृदा एवं संबंधित आंकड़ों का अध्ययन किया जा सके। गंगा नदी को अविरल रखने में हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियों का बड़ा योगदान है। पहले चरण में वाष्पीकरण व इसकी दर से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया गया। इसके माध्यम से जल संतुलन के विषय में स्वाट मॉडल का प्रयोग करते हुए आवश्यक आंकड़े भी एकत्रित किए गए हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा स्थापित यह वैधशाला अपनी स्थापना के बाद से ही गंगा की अविरल धारा को हमेशा के लिए अविरल रखने हेतु निरंतर तकनीकी आंकड़े उपलब्ध करवा रही है। इस प्रकार के आंकड़ों के अध्ययन से वैज्ञानिकों एवं नीति निर्माताओं को भविष्य के लिए बेहतर कार्य योजना बनाने में सहायता भी मिली है। डॉक्टर मनीष नेमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिमालय का जो पारिस्थितिक तंत्र है उस पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में ये ऑब्जर्वेटरी किस प्रकार से सहायक साबित हो सकती है? इतना अद्भुत और अद्वितीय अनूठा क्षेत्र होने के बाद भी हिमालय क्षेत्र में हमारी जानकारी, या मैं कहूँ वैज्ञानिक जानकारी, अभी बहुत कम है कि ये क्षेत्र अत्यंत दुर्गम है। और भारत सरकार जो है अनेक स्तरों पर इस अंतर को कम करने का प्रयास कर रही है, और उसी दिशा में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के द्वारा लेसर हिमालयन क्षेत्र में एक हमने हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया है। और जहाँ तक आप बात कर रहे थे जलवायु परिवर्तन को समझने की, तो एक बार हमारे पास जब लॉन्ग टर्म डेटा अवेलेबल हो जाएगा उस क्षेत्र का, तब फिर हम जलवायु परिवर्तन के उचित प्रभावों का अध्ययन कर पाएंगे। उसमें किस तरह के उपकरण हैं और किस तरह से वो सहायक हो सकते हैं? इसमें हमने 3 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा रखे हैं। यदि आप ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को एक मोबाइल टावर से कंपेयर कर सकते हैं, और उस टावर में हमने अनेक तरह के सेंसर लगा रखे हैं, जैसे ATRS सेंसर जो एयर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापता है। इसका मतलब जो वायु की हवा की नमी और हवा के तापमान को बताता है। इसके अलावा हमने विंड वेलोसिटी और विंड डायरेक्शन के लिए वहाँ पर एनोमीटर्स लगा रखे हैं। मिट्टी के भी कुछ हमने वहाँ सैंपल लगा रखे हैं, TDR सेंसर कहते हैं उन्हें। उसमें हम मिट्टी की नमी, मिट्टी के तापमान और मिट्टी की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को मेज़र कर रहे हैं। और सूर्य के विकिरण को नापने के लिए हमने 4 कंपोनेंट रेडियोमीटर भी वहाँ पर लगाया हुआ है, जिसमें इनकमिंग शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव रेडिएशंस और आउटगोइंग रेडिएशंस को हम मेज़र करते हैं। इसके अलावा जो वर्षा है या रेनफॉल है, वो एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का प्रमुख घटक है, तो उसके मेजर करने के लिए हमने वहाँ पर टिपिंग बकेट प्रकार की ऑटोमेटिक रेन गेज लगा रखे हैं। इसकी मापन क्षमता काफ़ी सटीक होती है। हिनवल नदी पर उसके प्रभाव को मापने के लिए हमने एक कंपाउंड रेक्टेंगुलर वियर का भी निर्माण किया है। ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर लगाया है, जो एक नॉन कॉन्टैक्ट डिवाइस है, जो सीधे पानी के संपर्क में नहीं आता, और वो एक राडार टाइप का सेंसर है जिसके माध्यम से हमें लगातार जल स्तर की प्राप्ति होती रहती है। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हमने लगा रखे हैं, वो ज़्यादातर ऑटोमेटिक नेचर में है, और इन सब की रिकॉर्डिंग वहाँ डेटा लॉगर है उसमें होती है। तो सर, इसमें किन किन संस्थाओं का योगदान रहा, और ऑब्जर्वेटरी जो आपने स्थापित करी है इतनी ऊंचाई पर, उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? मुख्य रूप से जल शक्ति मंत्रालय, जो हमारा अपना मंत्रालय है, इसके अलावा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, इन तीनों विभाग के द्वारा हमें वित्तीय अनुदान प्राप्त हुए जिनके माध्यम से ये इंस्ट्रूमेंट या उपकरण हमने वहाँ पर लगाए हुए हैं। और यदि मैं बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की, तो यूनाइटेड किंगडम सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी UKCEH, जो एक यूके की एक जानी मानी रिसर्च संस्था है, वो हमारे एक वैज्ञानिक साझेदार हैं इस प्रोजेक्ट में। इसमें किस तरह के परिणाम अभी तक हमें प्राप्त हो चुके हैं? डेटा की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी डेटा के आंकड़े उपलब्ध हमें हुए हैं उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करने पर काफ़ी रोचक परिणाम सामने आए हैं कि इस परियोजना में हमें SWOT नाम के हाइड्रोलॉजिकल मॉडल का भी हम अनुप्रयोग कर रहे हैं। और इस मॉडल के माध्यम से हम जो है भविष्य में जल संसाधनों की विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में क्या उपलब्धता होगी इसका हम एक मॉडल कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, और उसका उपयोग जो है स्थानीय प्रशासन या नीति निर्माताओं द्वारा उस क्षेत्र के लिए जो वांछित नियोजन के लिए किया जा सकता है। और किसी भी तरह के वाटर सेट मैनेजमेंट प्लान को बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं बुनियादी आंकड़े या फील्ड स्तर के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। और आप यदि इसके इस ऑब्जर्वेटरी के मुख्य ध्येय में जाएंगे तो उसका मुख्य उद्देश्य ही फील्ड स्तर पर प्रारंभिक या बुनियादी आंकड़ों को उत्पन्न करना था, निर्माण करना था। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। ये हमारे साथ थे डॉक्टर मनीष के नीमा। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।